अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी रवि उपल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी महादेव ऐप के मालिक रवि उपल को भारत प्रत्यार्पित कराने के प्रयास कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार रवि उपल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के दो मुख्य मालिकों में से एक है। ईडी के आदेश पर रवि के खिलाफ इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। इसी आधार पर दुबई पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 43 वर्षीय रवि उपल को पिछले हफ्ते ही हिरासत में लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी रवि उपल को भारत प्रत्यार्पित कराने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में है। वही उपल के खिलाफ दर्ज मामले की जांच ईडी के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मुंबई पुलिस भी कर रही है।